नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जुए और सट्टेबाजों के कर्ज के दबाव में आकर लगाई फांसी। एक सप्ताह में जुए और सट्टेबाजों के कहर ने ली दो व्यक्तियों की जान। जुए व सट्टेबाजी में पैसे हारा, सट्टेबाजों ने किया तंग तो युवक ने लगा ली फांसी। आज तुम्हारे गांव में जो ये फांसी का जो सामने आया है, फांसी लगाने का, तो इसके बारे में क्या, क्यों लगाई फांसी इन्होंने? क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी ओम सिंह। अच्छा। ओम सिंह छुट्टा नेताजी के पुत्र हैं। अच्छा। वो जो हमारे गांव में साहूकार हैं, जो ब्याज देने का काम करते हैं, मतलब 10-10, 20-20% के ब्याज देते हैं लोगों को। वो घर बिगाड़ रहे हैं लोगों का। अच्छा। और बंद में जुआ कराते हैं। अगर पुलिस वालों के पास जाता है ना कोई भी जुआ बंद कराने के चक्कर में, तो ये लोग कहते हैं कि हम तो पुलिस वालों को हफ्ता दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा अच्छा, पुलिस के संरक्षण में होता है यहाँ पर? पुलिस के संरक्षण में होता है जी सब काम। तो पुलिस को पता है सब? पुलिस को सब पता है। अच्छा, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अगर उनसे कहते भी हैं तो वो कहते हैं कि हम तो हफ्ता जा रहा है, करवा लो, कहीं यहाँ ना होगा तो दूसरे गाँव में करा लेंगे हम। अच्छा, ये लोग कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले लोग? बाकी जी कुछ तो गाँव के हैं, कुछ और अदर गाँव के हैं, सब साहूकार ही होते हैं जो पैसे कमाने, जो ब्याज पे पैसे कमाते हैं वही जुआ कराते हैं। कितने लोग हैं ऐसे इस गाँव के जो ब्याज पे पैसे देते हैं इस गांव में जी? वो तो पता लगेगा जब छानबीन की जाएगी, सब पता लगेगा अपने आप। नाम तुम्हारा? कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये फांसी का जो ये केस सामने आया है, क्या मामले, क्या लगते थे आपके, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। पापा लगते थे, इन्होंने जो पैसे ब्याज पे लिए थे जुआ के लिए। अच्छा। उसका मतलब 1,000 रोज का ब्याज था। हाँ। तो पैसे न देने वजह से टेंशन में फांसी लगा ली। अच्छा, जुए का जो मामला है क्या है, कहाँ होता है जुआ? ये बनना होता है। कौन कराता है जुआ? अच्छा, पैसे किससे लिए थे? किशोर के लड़के से। अच्छा, क्या करते हैं ये? पैसे देते हैं ब्याज के जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलने के लिए पैसे देते हैं ये? तो यहाँ गांव में कितने लोग हैं ऐसे जो जुआ खेलने के लिए उनसे पैसे लेते हैं? काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा, तो उन्होंने फांसी किस समय लगाई? 5:30 बजे लगाई शाम को। अच्छा, फांसी लगाने से पहले कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं था। नहीं, जैसे सुनने में आया है कि उनको जो है पैसों के वापस ना देने के बारे में धमकी दी, कह भाई तुम्हें पैसे ब्याज पे दे तो कह रहे हैं ना, पैसे नहीं मिले तो पहले तेरे बाप को लटकाऊंगा, फिर जो होती है लटकाऊंगा। अच्छा, इतने पैसे दे शाम को 5 बजे तो लगा ली उन्होंने फांसी। अच्छा, तो उन्होंने मारने की धमकी दी। इस घटना के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में देखी जाती है। बीते 8 दिन पहले एक अधेड़ व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जानकारी देते हुए वर्तमान प्रधान हरगोविंद सिंह ने बताया कि ओम सिंह पुत्र छुट्टन सिंह पर जुआ वे सट्टेबाजी करने वाले पैसे का दबाव बना रहे थे। इससे किशोर पुत्र तोता, दूसरा मुकेश पुत्र शिव किशोर है जो जुए का कार्य करते हैं, और बीते दिनों में जिसकी मौत हुई थी उसका नाम नौबत पुत्र मन्ना जुए में मोटरसाइकिल बेचकर हार गया था और दहशत में उसकी मौत हो गई थी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें, दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव ख्यालीपुर डाल का है, जहां पर जुड़े हुए सट्टेबाजी का कारोबार सफ़ेद पोश में पुलिस के रहमो करम से फल फूल रहा है। यहां की अगर घटना के बारे में जब आप रूबरू होंगे तो आप हैरान ज़रूर रह जाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में जो है वह सट्टेबाजी करने वालों के कहर ने दो व्यक्तियों की जान ले ली। जुए में पैसे हारा, पहले एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने आप को फांसी लगाकर अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली और आज फिर उसी घटना को दोहराते हुए एक युवक ने अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी की किताब बंद कर दी।